तशक्कुर डिजिटल से खुशाम थी। नाजरीन इकराम, कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीटीपी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। टीटीपी के दहशत गर्द कराची में कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कराची से गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई में अहम कमांडोज समेत 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली जैसे संगीन जराये में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। दोस्तों, ये नेटवर्क अफगानिस्तान में टीटीपी की आला कयादत के लिए भत्ताखोरी की सरगर्मियों और अगवा बराए तावान के जरिए फंड्स इकट्ठा करता था। इस नेटवर्क ने मदरसे में खुदकुश बमबारों को भी पनाह दी थी, जिन्हें अफगानिस्तान, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खाजा साइरस सज्जाद काजी ने बताया कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया था। शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलविस है। भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ के कत्ल का एतराफ किया है। शाहिद लतीफ को कत्ल करने के लिए मकामी लोगों की खिदमात ली गई थी। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को भी रावला कोट में मस्जिद में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट ने उजरती कातिल के जरिए मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उजरती कातिल को गिरफ्तार किया, जिसने जुर्म का एतराफ किया। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलव्वस पाए गए। नाजरीन, साइरस सज्जाद काजी ने बताया कि आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में भारतीय एजेंट्स की तफसीलात मौजूद है। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलव्वस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। सेक्रेटरी खारजा का मजीद कहना था कि कनाडा और अमेरिका में भी ऐसे ही केसेस सामने आए हैं। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाब दे करना होगा। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि भारतीय एजेंट्स के एतराफी बयानात भी हैं, जो इस वक्त हमारी तहवील में है। हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के सबूत भी मौजूद है। सिर्फ हम नहीं कह रहे, कनाडा और अमेरिका ने भी इसी तरह की कार्रवाइयों की निशानदेही की है। नाजरीन, दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द ग्रुप और भारतीय हैंडलर्स और सहूलतकारों, जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के टारगेट किलर्स को नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया। कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स उन साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। नाजरीन, दफ्तर खारजा ने मजीद बताया कि मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावला कोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया। तहकीकाती इदारों के पास मुस्तरद शवाहिद है कि इस पूरी टारगेटेड किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल है, जो कि इसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे और मुहिम को कंट्रोल भी कर रहे थे। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है। इससे कबल भी पाकिस्तान में और बैनुल अक्वामी सतह पर भारतीय एजेंसियों के रियासती सरपरस्ती में मावराए अदालत कत्ल के मंसूबे बेनकाब हो चुके हैं। भारत ने गुज़िश्ता साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में कत्ल किया। इसके बाद भारत ने अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा बनाया, जो अमेरिकी खुफिया इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बेनकाब हुआ। इसी तरह की मजीद मालूमात जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।